दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अर्नव स्क्वायर गार्डनिंग में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश, जो कि पिछले 15 साल से गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग के फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। और दोस्तों आपके लिए मैं प्लांट से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। दोस्तों आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मिली बग्स। मिली बग्स एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिससे आप अभी तक परेशान हैं और आपको अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पता चलने वाला है कि मिली बग्स को हम कैसे खत्म या कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आप लोग अपने प्लांट्स पे लगे हुए मिली बग्स को कभी नहीं खत्म कर पाएंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कि जितना पुराना इतिहास कृषि का है और उतना ही पुराना इतिहास इन कीट्स का भी है, क्योंकि इनसे बचने के लिए पुराने समय में बहुत सारे अलग अलग चीजों या पद्धतियों का इस्तेमाल करके इनसे छुटकारा पाया जाता था। लेकिन कोई ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत पुरानी है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो क्या है वो आपको नहीं पता चलता है। सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिलीबग्स क्या है। मिलीबग्स एक छोटे आकार का कीड़ा होता है जो अंडाकार कीट है, व्हाइट कलर में, और बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत बारीक होता है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या दिखता है, आपके पेड़ पर लगा हुआ सफेद सफेद चारों तरफ दिख जाता है, आपको लगता है कि हाँ मिलीबग है। बट लेकिन मिलीबग्स की दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड 275 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सा मिलीबग है, बट सब मिलीबग्स हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सुडोको काइडे है। एक मिली बक्स का जो साइज है फ्रेंड्स वो 0.1 से 0.25 इंच तक होता है। दोस्तों ये सफेद और काले रंग में पाई जाती हैं, जो एक मैली मोम की परत से कवर्ड होती हैं। दोस्तों ये एक मीठे शहद या फिर एक मीठे रसायन का स्राव करती हैं, जो कि चींटियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या यूं कहा जाए कि चींटियां ही इनको पौधों पर ले जाने का काम करती हैं। और दोस्तों चींटी और मिली बग्स का आपस में ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी हैं, यानी कि साथ जीते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। एक मादा मिली बग एक बार में 300 से 600 अंडे देती हैं। अक्सर ये जो अंडे होते हैं ये पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं, और ये एक सफेद रंग की फफूंदी से इनको कवर्ड कर देती है। मादा मिली बग एक बार प्रजनन करने के बाद तुरंत मर जाती है, लेकिन अन्य मादाओं का यही प्रक्रिया या यूं कहा यही साइकिल चलता रहता है। ये 2 वीक तक अंडे देने का कार्य करती हैं, और जो मादा मिलीबग्स होती हैं वो जैसे जैसे अंडे देती हैं वैसे वैसे वो मरते जाती हैं। और जो इसमें छोटे मिलीबग्स होते हैं उनको क्रॉलर कहा जाता है, और ये क्रॉलर इतने सक्रिय होते हैं, ये हल्के पीले होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई मोम की मैली परत नहीं होती है, और ये इतने सक्रिय होते हैं फ्रेंड्स कि आपके पौधे पर विद इन 2 डेज या 3 डेज या मैक्सिमम कहा जाए तो 7 डेज के अंदर अंदर आपके पौधे के पत्तियों, टहनियों, फलों और फूलों चारों तरफ फैल जाती हैं और आपके प्लांट को खराब कर देती हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों कंट्रोल करने का क्या तरीका है चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, यदि आपका पौधा विंटर में रखने के लायक है, आपको लगता है कि आपका पौधा विंटर में रह सकता है, या तो उसको आप विंटर में रख दीजिए, या आपका इंडोर प्लांट है तो विंटर में रख सकते हैं, और आपका कोई आउटडोर प्लांट है तो वो तो विंटर में रहेगा ही, क्योंकि विंटर के मौसम में मिली बग्स होता क्या है, यदि किसी प्लांट के ऊपर है तो वो लीव्स के नीचे चले जाते हैं। तो यदि आपका इंडोर प्लांट है तो आप उसको चाहें तो उसको आउटडोर में रख सकते हैं विंटर के मौसम में, यदि वो विंटर में रखने के लायक है तो आप उसको वहां पे रख दीजिए। ऐसा करने से मिली बग्स क्या होगा, टहनियों और जगहों से इकट्ठी होकर के लीव्स के नीचे आ जाएंगी, और नीचे आने के बाद क्या होगा, आप चाहे तो उन लीव्स को कट कर सकते हैं प्लांट से, या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े से उनको साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके प्लांट से मिली बग्स कम हो जाएंगे या लगभग खत्म हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास कीटनाशक साबुन है, आजकल दोस्तों बाजारों में कीटनाशक साबुन आने लगे हैं और बहुत 200 साल से इनका यूज किया जा रहा है, जो कि हम कीटों को मारने के लिए अक्सर इसको यूज करते हैं। पोटेशियम लॉरल सल्फेट होता है, जिसके कारण इसको पानी में डालकर घोलकर उसका स्प्रे करने से मिली बग्स मर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग देखते होंगे अक्सर
आजकल लोग बाग गलती ये करते हैं कि जो लिक्विड सोप आता है, लिक्विड सोप को ही पानी के अंदर मिक्स करके उसको स्प्रे करते हैं, और ऐसा करने से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। हो सकता है आपको रिजल्ट मिलता हो, बट लेकिन 100% रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसका 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि फ्रेंड्स, या तो आप किसी एग्रो शॉप से जो कि आपके नजदीक पड़ती हो, वहां से आप क्या करें कि एक कीटनाशक साबुन लेकर के आ जाए, जो कि इसके लिए अलग से बना होता है, जो इन कीट्स को मारने के लिए स्पेशली एग्रो शॉप्स यानी कि बाजारों में बिकता है। और फ्रेंड्स, तीसरा तरीका है कि यदि आप इनको बिल्कुल ऑलमोस्ट लगभग पूरा खत्म करना चाहते हैं, तो तीसरा तरीका ये है कि आप एक लिक्विड बना सकते हैं। उस लिक्विड में 50% अल्कोहल यानी कि आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, और 1% सोडियम लॉरेल सल्फेट, इनको मिक्स करके आप एक सॉल्यूशन रेडी कर सकते हैं, वो भी 1 लीटर बॉटल के अंदर। और इस लिक्विड को बनाने के बाद आप अपने पौधों पर इसका स्प्रे करेंगे, तो आप अपने पौधे से डेफिनेटली मिली बग्स को खत्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं उस चौथे तरीके की, जिसका अक्सर मैं यूज करता हूँ। चलिए दोस्तों, वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों के घर पे नॉर्मली विनेगर होता ही है, जैसे कि आप जानते हैं सिरका। आपको 1 लीटर बोतल का 1/3 भाग पानी लेना है, 1/4 पार्ट आपको विनेगर लेना है, और इन दोनों को मिक्स करके आपको अच्छी तरह से 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार कर लेना है, और इसका स्प्रे आपको अपने पौधों पर करना है। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपके प्लांट से डेफिनेटली मिली बग्स खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब लास्ट जो कि 5th नंबर पे आता है, वो स्टेप बहुत ही इजी स्टेप है। यदि आप इसको प्रॉपरली यूज करते हैं, तो आपके किसी भी प्लांट के ऊपर किसी प्रकार का कीट या कोई भी मिली बग आपके प्लांट पर बिल्कुल लगेगा ही नहीं। इट्स माई प्रोमिस, ये दोस्तों मेरा दावा है। आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको लेना है 1 लीटर पानी की बोतल आप लें, और उसके अंदर यूरिया के 3 से 4 दाने लें, और उनको उसके अंदर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपको 1 लीटर एक सॉल्यूशन मिल गया है। अब सॉल्यूशन का आपको अपने प्लांट्स के ऊपर 15-15 दिन के अंतराल में स्प्रे करना है। यदि आप इस स्प्रे को करते हैं, तो आप अपने पौधों में कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं देखेंगे, और आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। चाहे वो मौसम विंटर का हो, चाहे वो मौसम आपका समर का हो, चाहे वो आपका बरसात का हो, दोस्तों किसी भी मौसम में आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं सिर्फ इस प्रोसेस के थ्रू। ये फ्रेंड्स वो सीक्रेट है जो अक्सर आप तक नहीं पहुंचता है। फ्रेंड्स, इसी सीक्रेट को यूज करके माली अपने पौधों को, और आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स कि आप लोग प्लांट्स लेकर के आ जाते हो, लेकिन जब आपने प्लांट्स ले लिया और उसको घर पे लगा दिया, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो प्लांट्स आपका मरने लगता है, और आपको उसका समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, फिर आप लोग परेशान होते हैं। तो आपको सिर्फ यही प्रोसेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चलेगा, और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आप यदि शेयर करेंगे, तो लोगों तक सही और राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जो कि मेरा मेन उद्देश्य है। दोस्तों, मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप तक सही नॉलेज और या फिर सही जानकारी पहुंचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।